सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में आपको एक नई एप्लीकेशन के बारे में आपको बताने वाला हूँ गाइस। इंस्टेंट गाइस आपको पेमेंट मिल जाएगा गाइस। आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं और गाइस जान लेते हैं उस एप्लीकेशन के बारे में, किस तरीके से आपको इसके अंदर साइनअप करना होता है गाइस, किस तरीके से आपको इसके अंदर रजिस्टर करना होता है। तो आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस मैंने एप्लीकेशन को कर लिया है ओपन। ओपन करने के बाद गाइस आपके सामने गाइस जो इंटरफेस होगा, तो गाइस ये वाला आपके सामने इंटरफेस आ जाता है। इंटरफेस आने के बाद गाइस आपको इधर गाइस गूगल से लॉगिन करना होता है। तो गाइस आपको अपनी जो भी गूगल आईडी हो इधर इसके ऊपर ओके कर देना। आपको गूगल के ऊपर जैसे ओके करेंगे, जैसे ही गाइस आप इसको गूगल आईडी दे देंगे आपकी, तो गाइस आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाने वाला है। जैसे गाइस मैंने इसके अंदर गूगल आईडी जैसे दे दी, ये वाला इंटरफेस आ चुका है। ये वाला इंटरफेस आने के बाद गाइस आपके सामने गाइस साइड में क्रॉस का चिन्ह है, इसको आपको कट कर देना, क्योंकि गाइस ये जो है एड है ये। तो गाइस आपको गाइस इधर रेफर कोड का जो है इधर रेफर कोड डालने का इधर वो आएगा, और गाइस आपको इधर पेटीएम नंबर डाल देना है। तो गाइस आपको गाइस रेफर कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइस फिलहाल मेरे पास कोई रेफर कोड नहीं है, तो गाइस मैं इधर रेफर कोड नहीं डाल रहा हूँ। आपके पास रेफर कोड हो तो रेफर कोड डाल देना। गाइस मैं इधर से पेटीएम नंबर मेरा डाल देता हूँ। पेटीएम नंबर गाइस मैंने इधर फिलिप से, गाइस आपको इधर ऐसे कर देना है मेरी तरह। गाइस रेफर कोड आप ज़रूर से डालना। गाइस रेफर कोड डालोगे तो गाइस क्या होगा, आपको कुछ ना कुछ अमाउंट इधर देखने को मिल जाएगा, जो कि आसानी से आपको इधर मिल जाएगा। और गाइस आपके सामने इधर टेलीग्राम का इधर आ जाता है ज्वाइनिंग करने के लिए बोला। तो गाइस आपको ज्वाइनिंग पर ओके कर देना। ज्वाइन नाउ पर जैसे ओके करेंगे तो गाइस आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, क्रोम का और गाइस टेलीग्राम का। टेलीग्राम के ऊपर आपको ओके कर देना। टेलीग्राम के ऊपर जैसे ओके करते हो आपके सामने गाइस इनका टेलीग्राम आ जाएगा। तो इधर आपको इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। तो गाइस मैंने इधर फिलहाल आप देख सकते हैं ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद गाइस इधर बैक आ जाता हूँ मैं। बैक आने के बाद गाइस आपके सामने गाइस ये जो आपके सामने इंटरफेस आ रहा है, ये वाला आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। इधर आपको टास्क, वॉलेट और इनवाइट का ऑप्शन, रेफर कोड और हिस्ट्री, और जो आपको छठा ऑप्शन मिलता है इधर ऑफर का ऑप्शन आपको इधर मिल जाता है। तो सबसे पहले हम गाइस इधर जानेंगे। एक थ्री लाइन आपको इधर दिखाई दे रही होगी ऊपर की तरफ, आपको इसके ऊपर ओके कर देना है। थ्री लाइन के ऊपर जैसे ओके करेंगे तो गाइस सबसे पहले गाइस आपको इधर दिख जाता है, इधर आपको होम का ऑप्शन दिख जाता है। तो गाइस आपको इधर होम का ऑप्शन के बाद मैं आपको इधर बता देता हूँ। इधर आपको होम का ऑप्शन दिख जाता है। होम के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो गाइस आपके सामने ये जो मेन इंटरफेस है वो आ जाएगा। और गाइस आपको इधर सेकंड टास्क का ऑप्शन मिल जाता है। थर्ड आपको रेफर लिस्ट का ऑप्शन मिल जाता है। चौथा आपको वॉलेट का ऑप्शन मिल जाता है। इधर आपको हिस्ट्री मिल जाती है, नोटिफिकेशन मिल जाता है इन्वाइट फ्रेंड का, और गाइस इधर से रेटिंग, प्राइवेसी पॉलिसी, और गाइस इधर से साइन आउट हो सकते हो। तो गाइस इधर से ये बहुत अच्छी बात है, इधर से भी आप साइन आउट हो सकते हो, क्योंकि गाइस अधिकतर एप्लीकेशन में साइन आउट का ऑप्शन नहीं आता है, जिससे आपको अनइंस्टॉल ही करना पड़ता है। तो गाइस ये बहुत अच्छी बात है। और गाइस अब इसके जान लेते हैं गाइस इसके काम कैसे करना है। इधर गाइस आपको टास्क का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सबसे पहले टास्क के ऊपर आपको ओके कर देना है। टास्क के ऊपर ओके करने के बाद गाइस थोड़ा सा लोडिंग लेगा पेज, पेज को हमें लोडिंग ले लेने देना है। तो गाइस पेज को लोडिंग लेने के बाद गाइस आपको इधर देख सकते हो फिलहाल जो इधर टास्क है, तो गाइस वो अभी हमारे को दिखाई नहीं दे रहा है। तो गाइस टुडे टास्क आपको इधर ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा होगा, इधर हमारा कोई टास्क अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो गाइस मैं थोड़ा इसका वेट कर लेता हूँ। तो गाइस वेट करने के बाद आपके सामने गाइस इधर चार टास्क आ जाते हैं। तो गाइस मैं इधर चार टास्क किस तरीके से आपको इधर कंप्लीट करने होते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। तो गाइस आपको फर्स्ट टास्क दिख रहा होगा, टास्क वन, आपको इसके ऊपर ओके कर देना है। इसके ऊपर जैसे ओके करोगे तो गाइस आपको इधर कुछ इंप्रेशन मिल जाते हैं, और गाइस कुछ आपको इधर इंस्टॉल का मिल जाता है, जो कि आपको मैं बता देता हूँ इधर किस तरीके से आपको इधर इंप्रेशन कंप्लीट करने होते हैं। तो गाइस मैं आपको इधर बता देता हूँ कंप्लीटिंग तरीके से। तो गाइस आपको फिलहाल जो है, तो गाइस आपको इधर दिखाई दे रहा होगा इंप्रेशन। तो गाइस आपको इधर इंप्रेशन कंप्लीट करने हैं इधर 10। और तो गाइस आपको इधर जो इंस्टॉलिंग का इधर जो टास्क दिख रहा है, फिलहाल आपको इधर कोई भी इंस्टॉलिंग टास्क नहीं करना है। वो क्यों नहीं करना है, क्योंकि गाइस आपको इधर नहीं दिया गया है इंस्टॉलिंग टास्क। तो गाइस आप जैसे सेकंड ऑप्शन पर आओगे आपको उधर दे दिया जाएगा। तो गाइस मैं आपको इधर इंप्रेशन टास्क करके बता देता हूँ। आपको इधर स्टार्ट का ऑप्शन मिल रहा है, स्टार्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने थोड़ा इधर वेट कर लेना है। वेट करने के बाद आपके सामने ये एड आ जाएगी, जिसकी गाइस आप देख पा रहे हो मेरे सामने एड आ चुकी है। एड को गाइस आपको कुछ 5 से 6 सेकंड तक आपको इस एड पर रुक जाना है। रुकने के बाद गाइस आपको ऊपर से कट का निशान है, इसको आप जैसे ही कट करोगे, कट करने के बाद गाइस आपको इधर तीर का निशान दिखाई दे रहा होगा, ये वाला। इधर तीर के निशान के ऊपर आपको ओके कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर ओके करते हो गाइस, जो आपका इंप्रेशन है गाइस आप देख पा रहे होंगे एक कंप्लीट हो चुका है मेरा इंप्रेशन। गाइस इसी तरीके से गाइस आपको गाइस इधर इंप्रेशन कंप्लीट करने होते हैं। इधर गाइस मेरा जो इंप्रेशन चल रहा है, ये सेकंड इंप्रेशन मेरा चल रहा है। तो इधर आप देख पा रहे होंगे आपके सामने मैं इधर कंप्लीटली तरीके से मतलब कि इंप्रेशन कंप्लीट कर पा रहा हूँ। तो आप इधर देख पा रहे होंगे अभी फिलहाल एड नहीं आई है, तो गाइस इसमें टाइम लग रहा है। तो गाइस एड आ चुकी है, एड को हमें गाइस इधर से 5 से 6 सेकंड इधर देखना होता है। तो गाइस इधर मैं जो एड को देख लेता हूँ। देखने के बाद गाइस आपको ऊपर कट का निशान दिखाई दे रहा है, इसको आपको कट कर देना है। कट करने के बाद गाइस आपको इधर जो तीर का निशान दिखाई दे रहा है, ये वाला गाइस मैंने अभी बताया, ये वाला। तो गाइस इसके ऊपर आपको जस्ट क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करते गाइस आपका जो सेकंड इंप्रेशन है वो आपका इधर कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस होने के बाद गाइस आपको गाइस दोबारा इसी स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है। स्टार्ट के ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो गाइस एड आ जाएगी गाइस आपके पास। तो गाइस आपका जो नेटवर्क है वो आपका जो नेटवर्क होना चाहिए फास्ट। तो गाइस जिससे क्या है कि गाइस आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करो तुरंत आपके पास ऐड आ जाएगी, जिससे गाइस आपका जो इंप्रेशन होगा वो इजी तरीके से कंप्लीट हो पाएगा। क्योंकि गाइस अगर तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो फिर गाइस आपका जो
टास्क होगा ये फर्स्ट टास्क, इसमें भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो गाइस आपका जो नेट है वो थोड़ी इसकी स्पीड आपकी तेज़ होनी चाहिए, जिससे जो भी आपका जो टास्क है वो इजी तरीके से कंप्लीट हो सके। तो गाइस आप देख सकते हो, इधर से मैं आपको बताता हूँ मैंने 3 इंप्रेशन कंप्लीट कर लिए। तो गाइस इधर आप अभी फिलहाल मेरे पास 0 इंस्टॉलिंग टास्क मिला है, आप देख पा रहे होंगे इधर 0 इंस्टॉलिंग टास्क है। और गाइस आप इधर देख पा रहे हो, इधर मेरे को 10 इंप्रेशन मिले और गाइस मैंने इधर 3 इंप्रेशन कंप्लीट कर लिए। तो गाइस है ना कमाल की। तो गाइस अब मैं आपको बता देता हूँ, मैंने इधर जो आप देख पा रहे होंगे इधर मैंने 8 इंप्रेशन कंप्लीट कर लिए। गाइस आपको भी इसी प्रकार से कंप्लीट करना होता है गाइस, और आपके पास गाइस तुरंत एड आ जाएगी एड। गाइस इसके ऊपर स्टार्ट के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद गाइस आपके सामने थोड़ा लोडिंग लगेगा, लोडिंग लगने के बाद आपके सामने एड आ जाती है। एड को आपको थोड़ी देर 5 से 6 सेकंड रुकना है, 6 सेकंड रुकने के बाद आपके सामने गाइस इधर ऊपर कट का निशान आ जाएगा, कट कर देना आपको। कट करने के बाद गाइस आपके सामने गाइस जो होगा टास्क वो गाइस आपके सामने सब प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस आपको गाइस दूसरे में क्या करना है, दूसरे टास्क के ऊपर जैसे करोगे आपको गाइस दूसरे में भी गाइस यही एक टास्क करना पड़ता है। आप इधर देख पा रहे होंगे इधर जो इंप्रेशन मुझे मिले, इधर भी आपको इंप्रेशन ही मिलेंगे, इधर इंप्रेशन कंप्लीट करना है। इधर कोई इंस्टॉलिंग का कोई इधर टास्क नहीं आया गाइस, आपको गाइस ज़्यादा इधर कुछ भी आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है। बाकी तीसरे में भी आपको मैं बता देता हूँ, इधर आप देख पा रहे होंगे मुझे गाइस इंप्रेशन ही फिलहाल इंप्रेशन के लिए ही मुझे इधर दिए जा रहा है। और गाइस चौथा मैं ओपन करके और बता देता हूँ आपको। गाइस इधर गाइस आप देख पा रहे होंगे इंप्रेशन ही मुझे गाइस चारों में इंप्रेशन टास्क मिला है। तो गाइस आप भी इधर से इंप्रेशन टास्क कंप्लीट करके इसी तरीके से अर्निंग कर सकते हो। और गाइस अर्निंग करने के बाद गाइस अब मैं आपको बता देता हूँ इसका जो रेफ़र करने का सोर्स है गाइस, वो रेफ़र किस तरीके से आपको इधर करना होता है। रेफ़र गाइस आपको करना है इधर इनवाइट का ऑप्शन आपको इधर दिख जाता है, इनवाइट के ऊपर जैसे आपको क्या करोगे आपको इधर आपका रेफ़र कोड और गाइस आपको इधर शेयरिंग का ऑप्शन दिख जाएगा। और गाइस पर रेफ़र गाइस आपको गाइस 500 रुपये का गाइस डेली पेटीएम कैश मिलने की गाइस संभावना भी है। गाइस आप इधर से देख सकते हो गाइस, मतलब कि जिस भाई को भी आप रेफ़र करोगे तो गाइस आप इधर से देख सकते हो 500 रुपये का गाइस डेली पेटीएम कैश इधर से कमा सकते हो आप। गाइस बहुत अच्छी खासी इजी तरीके से इधर से अर्निंग कर सकते हो। तो गाइस आप गाइस जो 500 रुपये कमाओगे उसको गाइस इंस्टेंट आप निकाल भी सकते हो। तो गाइस काफ़ी ज़बरदस्त एप्लीकेशन है गाइस ये, आपको गाइस शेयर का ऑप्शन मिल जाता है और गाइस इधर से गाइस रेफर कोड मिल जाता है और गाइस ये टैप टू कॉपी का ऑप्शन मिल जाता है, आपका रेफर कोड कॉपी कर सकते हो। कॉपी करने के बाद गाइस आपको गाइस करना क्या है, इधर से ओके कर देना है। इधर जैसे ओके करोगे आपका सोशल मीडिया हैंडल इधर से ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद आप इधर से शेयर कर सकते हो। और गाइस आपको मैं बता देता हूँ इधर से गाइस जो भी इधर रेफरल इनकम होती है तो गाइस वो आपको इधर रेफरल्स पे ओके कर देना है। गाइस माय रेफरल्स आपको इधर गाइस जो भी इधर कमाएगा जो सब कुछ आपको गाइस इधर दिख जाता है, इधर आपको इधर दिख जाएगा गाइस, आप इधर देख पा रहे होंगे ऊपर इधर आपको दिख जाएगा जो भी आपके थ्रू कमाएगा। तो गाइस इधर से आप इधर से इजी तरीके से देख सकते हो। देखने के बाद आपको इधर अब आते हैं ऑफर पे, नीचे आपको ऑफर का ऑप्शन दिख जाता है, ऑफर ये वाला छठा ऑप्शन आपको ऑफर का दिख जाता है। इसके ऊपर जैसे ही आप ओके करते हो तो इसके ऊपर ओके करने के बाद आपको मैं बता देता हूँ इधर जो अगला ऑप्शन होगा। तो गाइस आप इधर से देख पा रहे होंगे आपको इधर ऑफर में गाइस इधर गाइस कुछ एप्लीकेशनें मिल जाती है आपको, बिनोमो की एप्लीकेशन मिल जाती है और गाइस आपको इधर कुछ स्पिन वगैरह की एप्लीकेशन मिल जाती है। और गाइस आप इधर से देख पा रहे होंगे इधर आपको जो भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर दो गाइस आप इसकी टर्म कंडीशन जरूर देख लेना। आपको इसके ऊपर जैसे ओके करना है 350 कॉइन आपको जैसे लेना है तो गाइस आपको इसके ऊपर ओके कर देना है। इसके ऊपर जैसे आप ओके करते हो एप्लीकेशन आपके सामने खुल के आ जाएगी और गाइस आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। गाइस आप इधर से देख सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ इधर गाइस 210 कॉइन और गाइस 350 कॉइन, इधर से 280 कॉइन गाइस। आप इधर से इसी तरीके से इन जो भी तमाम एप्लीकेशन है इतनी सारी आप इनको डाउनलोड करके इसी तरीके से अर्निंग कर सकते हो और गाइस इसको गाइस इंस्टेंट पैसा भी निकाल सकते हो। तो गाइस इधर से आ जाता हूँ मैं बैग और गाइस इधर से पैसा कमा लिया। गाइस पैसा कमाने के बाद गाइस आपको निकालना किस तरीके से वो भी मैं आपको इधर बता देता हूँ। तो गाइस मैं आपको इधर बताना चाहूँगा बैग आने से पहले गाइस आपको गाइस इधर गाइस कुछ और ऑप्शन भी आपको दिख जाते हैं। इधर ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा टास्क और गाइस इधर सर्वे का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो गाइस ये भी ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ गाइस, इधर आपको टास्क के ऊपर जैसे ओके करोगे तो गाइस आपको गाइस 210 कॉइन का गाइस इधर कुछ ऐप का टास्क मिल जाता है गाइस, जो कि आपको इधर रजिस्टर करना है इसके अंदर। और गाइस आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, इधर आपको कॉइन दे दी जाएंगे इसी तरीके से रजिस्टर करते बाद। और गाइस आपको इधर गाइस एंड में गाइस सर्वे का ऑप्शन मिल जाता है तो गाइस इधर एंड पर जैसे ही आप क्लिक करते हो इधर के कोने पर तो गाइस आप देख पा रहे हो मैंने टिक मार्क लगा रखा है। गाइस इधर टास्क के ऊपर क्लिक किया, पहले मैंने आपको टास्क बता दिया और गाइस पहले गाइस इधर ऐप आई थी, ऐप डाउनलोड करके भी गाइस आपको मैंने बता दिया इधर किस तरीके से आपको डाउनलोड करनी है। तो गाइस इधर गाइस जैसे आप गाइस इधर सर्वे के ऑप्शन पर ओके करते हो तो गाइस आप बिटलैब्स के नाम से सर्वे मिल जाता है। और गाइस इधर गाइस जो सर्वे हैं इधर से गाइस आप 400 कॉइन की अर्निंग कर सकते हो। गाइस आप इधर से इजी तरीके से जो 400 कॉइन है वो आप इजी तरीके से अर्न कर सकते हो। तो गाइस अर्न किस तरीके से करना है, आप सर्वे के ऊपर जैसे ओके करोगे थोड़ा लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। तो गाइस आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा अर्न अप टू 400। तो गाइस इधर जैसे आप क्लिक करते हो आपका सर्वे स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट होने के बाद गाइस आप इधर से सर्वे कर सकते हो इजी तरीके से। तो गाइस आप इधर से इजी तरीके से सर्वे कंप्लीट कर सकते हो। तो गाइस इधर से आप सर्वे कंप्लीट कर लेना आराम से, आपके सर्वे जो भी होंगे वो सब कुछ आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो गाइस अब आ जाता हूँ मैं इधर से बैक, बैक आने के बाद गाइस आपका जो विड्रॉ किस तरीके से करना होता है, इसमें किस तरीके से आपको पैसा कमा लिया तो किस तरीके से इसके अंदर निकालना है और गाइस किस किस में आपको विड्रॉ लेना है सब कुछ आपको बता दूंगा। आपको इधर वॉलेट का ऑप्शन मिल जाता है, वॉलेट के ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करते हो थोड़ा लोडिंग लेगा पेज, गाइस इसको थोड़ा लोडिंग ले लेना है। लोडिंग लेने के बाद गाइस आपको इधर दिखाई दे रहा होगा गाइस
बैलेंस जो गाइस करंट बैलेंस मेरा गाइस फिलहाल के लिए गाइस आप इधर देख सकते हो जीरो है, मेरा करंट बैलेंस जो है जो गाइस जीरो है। तो गाइस इधर गाइस जो मिनिमम रीडिंग है तो गाइस आप इधर देख पा रहे होंगे 8 रुपये। नीचे की तरफ गाइस मैं दोबारा अंडरलाइन करके आपको इधर बता देता हूँ, तो गाइस आप देख पा रहे हो इधर 8 रुपीज़ गाइस इधर मिनिमम रीडिंग है, इधर दिखाई दे रहा होगा आपको जो भी मिनिमम रीडिंग है 8 रुपीज़। और गाइस इधर गाइस 8 रुपीज़ होती गाइस इधर गाइस आप इधर अमाउंट डाल देना और गाइस आपको इधर ट्रांसफर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस ट्रांसफर पर जैसे आप ओके करेंगे तो गाइस आपका जो पैसा होगा सक्सेसफुली गाइस आपके पेटीएम वॉलेट में इसी तरीके से पहुंच जाएगा। तो गाइस आज के इस वीडियो में यही था, वीडियो पसंद आई तो गाइस लाइक शेयर कमेंट करना, मैं मिलता हूँ इसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।